पितामह भीष्म ने उनके आखिरी वक्त में युधिष्ठिर को समझाया धर्म का मायना। क्या कहा भीष्म ने युधिष्ठिर से जब वे तीरों के शैया पर लेटे हुए थे। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भाई ही भाई के विरुद्ध लड़ रहा था, सगा सगे का ही रक्त बहा रहा था। ऐसे में मृत्यु को कोई भी प्राप्त हो, दुख दोनों पक्षों में बराबर का होता था। जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे, अपने पितामह की हालत के जिम्मेदार को मानकर अत्यंत ग्लानी महसूस कर रहे थे। उनकी ये स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आँखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। क्या थी वो कथा? एक समय में देय नामक एक अत्यंत बलशाली महाविद्वान राजा हुआ करता था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्रूर थी। वो अपनी प्रजा पर अन्याय करता था। अपने नाम की कीर्ति फैलाने के लिए वो प्रजा पर डर का शासन कर रहा था, जिस कारण प्रजा बहुत दुखी थी। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट में पूरे राज्य का जीवन कट रहा था, क्योंकि राजा का शासन कुशासन था। अतः धर्म की स्थापना हेतु ब्राह्मणों ने उस राजा का वध किया। उसके बाद उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया, जिसका स्वभाव धर्म के अनुरूप था, जिसके कारण उस राज्य में सुशासन होने लगा और प्रजा में खुशहाली आने लगी। उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की प्रजा भी दुखी है, उनका सुख तुम्हारे शासन में है। इस प्रकार प्रजा के सुख एवं धर्म की स्थापना हेतु किए गए कार्य के लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम धर्म के नए स्थापक बनोगे। अगर इसके लिए तुम्हें अपनों से भी लड़ना पड़े तो उसका शोक मत करो। पितामह भीष्म की बात सुनकर युधिष्ठिर को आत्म शांति का अनुभव होता है और वो पूरे उत्साह के साथ युद्ध के आगे के दौर में भाग लेता है। महाभारत का युद्ध यही सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्य कोई भी हो गलत नहीं होते। अपनों के प्रेम में पड़कर अधर्मी का साथ देना गलत होता है। जिस प्रकार महाभारत युद्ध में जितने भी महापुरुषों ने कौरवों का साथ दिया उनका अंत बुरा हुआ, उनके सारे सत्कर्मों का नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को देश एवं मातृभूमि के ऊपर रखा, जिसके फल स्वरूप उनका नाश हुआ। धर्म का रास्ता सरल नहीं है, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। युधिष्ठिर एवं भीष्म का अंतिम संवाद। आपको ये महाभारत की कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।